देख रहे हैं रिएक्शन चेक। सलाम नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। एज ऑलवेज वेलकम टू रिएक्शन चेक। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पे क्लिक करने का। आज की जो वीडियो है बड़ी स्पेशल है, उसका नाम है मैच। ये वो टिंडर वाला मैच नहीं है, हो सकता है वो वाला मैच भी हो, क्योंकि दिस वीडियो वॉज रेकमेंडेड टू मी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड इट्स एक्चुअली इट हैज एन इंडिपेंडेंस डे थीम अराउंड इट, बट इट सेज मैच इन इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे स्पेशल विद तीली डिजिटल शॉर्ट फिल्म। तीली इज अ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल दैट दे प्रोड्यूस कॉन्टेंट एंड देन दिस अदर यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड ARRE, or if I'm not pronouncing it properly, please forgive me for that. They actually collaborated and they made a video which is called an India-Pakistan Independence Day special called Matched. अब मुझे, मैंने तो देखा नहीं है अब तक, 10 मिनट की वीडियो है, और चलिए इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद बात करते हैं कि दिस वाज रेकमेंडेड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड आई कुडंट डू इट ड्यूरिंग दैट टाइम, बट लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो, और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी वीडियो होगी, आप भी इंजॉय करेंगे, मैं भी इंजॉय करूँगा। ओके, दिस वाज स्कोर्ड एंड को-डायरेक्टेड प्रोड्यूस बाय टू टीम्स, वन इन इंडिया वन इन पाकिस्तान। माया, कोई कमी तो बता लड़के में, तूने अभी तक फोटो भी देखी है उसकी? फोटो ही देखनी तो मैं यहाँ ना देख लूँ। That's in the gap too, and we'll run away for four. I think there's a bit of an inside edge on that. Up goes the finger. I thought I heard a second sound. Virat Kohli is distraught, but he'll still have to go. He's 49. He'll look back at the end of his career. वही टिंडर की कहानी है। समीर जी, अब आपने सर कहा है तुम्हारा? कुछ ही दिनों में बस पता चल जाएगा। अभी मैच देख रही हो? आमिर तो मूड में है। बस धोनी ही बचा सकता है। अब इन्हें धोनी भी नहीं बचा सकता। इन्हें? हमें? हमें? इन्हें? अबे किसे सपोर्ट कर रहा है? Who are you supporting? इंडिया? पाकिस्तान। Oh, arch rivals India taking on Pakistan and what a match for a final. बड़ा इंडिया और घूम फिरकर पाकिस्तान ही पसंद आया। इतना स्पेशल फील मत करो, अमृतसर और लाहौर में सिर्फ 50 किलोमीटर का फर्क है, गलती से मैच हो गया। पाकिस्तान मिठाइयां बट रही होंगी आज तो, कभी कभी तो मौके आते हैं। दिल बहलाने के लिए बिरयानी भिजवाऊं? स्लेच कर रहे हो? नहीं, फ्लर्ट। कोई तो मिलेगा समझता। व्हाट डू यू डू? वही बोरिंग 9 to 5 जॉब, रोज छोड़ने का सोचता हूँ, बस अब्बू इजाजत दे दें यार। और तुम? मास्टर्स कर रही हूँ लंदन में, और फिलहाल यहाँ छुट्टियां मनाने की कोशिश। कोशिश? पिछले 20 दिन में माँ 26 लड़के दिखा चुकी है। मम्मा यार, कम से कम फैमिली ग्रुप में तो मत डालो फोटो। क्यों? जैसा भी होगा अच्छा लगेगा। बॉलीवुड फिल्में देखते हो? लगान से लेकर रेस 3 तक आपके तीनों खान के फैन हैं हम। भाई हम तो सिर्फ फवाद के फैन हैं। वैसे तुम्हारी जिंदगी में नहीं है कोई फवाद खान? अगर होता तो मैं तुमसे बात करती। बारिश में गाने गाया करेंगे, छतरी खोले बिना नहाया करेंगे। और सूपी मैगी कौन खाता है यार? सूपी नहीं, बगावत की मैगी है। घर में वैसे सबको सूखी पसंद है। लगे रहो, यही सूपी बगावत एक दिन स्टार्टअप खुलवाएगी। सुना है ताहिर का जो बेटा है ना, अपना कारोबार खोल रहा है। वो पैसा डुबवाएगा वो अपना, मैंने कई बार समझाया, समझता ही नहीं। ना 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 ना।
सूरज की ऊंचाई पे हूँ मैं रहता और ख्वाब टूटने का। अति सुंदर, मेहरबानी। वाह क्या तहजीब लाया हूँ आपकी जिंदगी में। कितना हो गया इसका? 400। खुद तो समझे क्या, 400 लेगा, रोज आते हैं यहाँ पे। क्या बात है, रेजिग्नेशन लेटर। सो टुडे इज द डे, गुड लक जवान। हाँ यार, आज नहीं तो कभी नहीं। वैसे तुम कब बात कर रही हो? फिर वही, तुम मेरी मॉम को नहीं जानते यार। अगर मैं गब्बर को फेस कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट यू? क्या मतलब शादी नहीं करेगी? फ्रीक आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है आज के जमाने में। रेजिग्नेशन, आसान डालू मैं इसका? ओंटो प्रोनोशिप, बस बड़े अल्फाज बुलवा लो और हो गया। अबू आप जमाने के साथ तो चलें। तू मुझे ना ओल्ड स्कूल का बता के खुद को कूल मत बना, लोग क्या कहेंगे? लोग आओ पता कर लेते हैं। अरे मोहल्ले वालों, निमृत की बेटी शादी करने से मना कर रही है। मैडम को लंदन का, मास्टर्स का, जॉब का भूत चढ़ा है। कल को पीएचडी की रट लगाएगी। अजी क्या पता कल को कोई गोरा दामाद घर ले आए। आप लोगों को कुछ कहना है? अगर स्टार्टअप में बर्बाद हो जाऊं तो जी भर कर मेरा मजाक उड़ा लीजिएगा। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। अबू ये देखें, ये है मेरी जॉब का कंफर्ट जोन, सेफ, डिपेंडेबल, बोरिंग। और ये है स्टार्टअप की दुनिया, न्यू, एडवेंचरस, एक्साइटिंग। मम्मा देखो, मम्मा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं करना। स्टार्टअप के फेलियर के साथ जिंदगी गुजार लूंगा आपको, लेकिन इस पछतावे के साथ कैसे गुजारूंगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। Well, काफी स्ट्रॉन्ग सा मैसेज है इस शॉर्ट फिल्म में, आपको काफी सारी चीजों पे क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। गब्बर कैसे हैं? गब्बर कभी हूं तो कभी हूं कर देते, मगर ठीक है यार। तुम बताओ तुम्हारी तरफ क्या हालात है? फिलहाल तो लड़कों की इनकमिंग बंद है। और अगर दोबारा खुल गई तो क्या? बोल दूंगी, एक पाकिस्तानी लड़का हाथ आया है। हाँ ये सही, तुम एक काम करना, अपनी अम्मी को घर की छत पे ले आना, मैं प्लेन से आसमान में दिल बना दूंगा, एरो वाला। लेकिन बारात को भांगड़ा करना पड़ेगा, उसके बगैर हमारे यहाँ लड़की नहीं दी जाती। वागा पर वलीमा होगा, और बच्चे दो ही अच्छे, और दोनों को मस्त उर्दू सिखानी पड़ेगी। मम्मी आप हमारा मसला नहीं समझ रहे। कोई दिक्कत ही नहीं जी, सचिन और वकार दोनों को हम। सचिन और मोमिना प्लीज यार। वैसे माया हम दोनों, मेरा मतलब है हम, छोड़ो यार। रहने दो, अच्छा रखती हूँ, एयरपोर्ट ले। बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए हैं लोग। ध्यान देना, टेंडर पर वक्त ना बर्बाद करना, और तुम अपने अब्बू के पैसे मत डुबो देना। देखो थैंक्स फॉर एवरीथिंग माया, तुम नहीं होती तो। अरे इसमें तो कोई मसला ही नहीं है यार। अच्छा बाय। बड़ी जबरदस्त स्टोरी, अच्छी कहानी, आपको अक्सर इतनी आसानी सोचने पे मजबूर करती है इंडिया कि अब क्या होगा। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप लॉर्ड्स में दो टिकट्स बुक करवा रहा हूँ। Okay. Silence. Action.
Very interesting. You can see the making as well. It's fantastic. He's harassing me. And it's a backup. 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 यार best shot लिया मैंने. Hi guys. Finally film बन गई. Hopefully this is not the last time we're talking to each other. अरे ऐसे कैसे अगले साल मिलेंगे ना World Cup में? Obviously यार ये film तो बस शुरुआत है. तो बस अरे और तीली को Facebook पे like करें और YouTube पे subscribe करें. और हमारी छोटी सी film को like और share करें. टीम तीली और टीम अरे की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तो आप सबको भी इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो. अगर आप ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे के बाद देख रहे हैं तो ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि इंडिपेंडेंस डे आज है. और आज ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि यू नो आई थिंक फिल्म्स आर रियली पावरफुल टू फिल्म इज़ अ वेरी पावरफुल टूल दैट कैन बी यूज टू स्प्रेड अ मैसेज अक्रॉस. काफ़ी बार ऐसा हुआ है फिल्म देखने के बाद हमारे जज्बात में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो हमें मजबूर कर दी, कभी कभी हमें बहुत ही गुस्से वाला कर देती हैं, कभी कभी हमें बहुत ही प्यार सिखाती हैं, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं कुछ फिल्में ऐसी. तो दिस वॉज अ शॉर्ट फिल्म दैट्स अ वेरी गुड स्टेप. आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल आई मीन द पर्पस वॉज टू एक्चुअली शेयर things with the Pakistani audience, share things with the Indian audience as well, and things like these are an example of what other people are actually doing to actually connect these two nations. ये बहुत ही छोटा सा step है, आपको शायद लगता हो कि छोटे छोटे step से क्या होगा, but this will actually promote a kind of positivity that is required among the two nations and the people that are living in these two nations. क्योंकि बहुत लड़ चुके हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हमने नुकसान एक दूसरे का कर दिया. अब वक्त आ गया कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और इसके बारे में कुछ ना कुछ हम ज़रूर करें. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो मेरे साथ देखने का. इस वीडियो में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो आपको मजबूर करती हूँ. कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी. अगर मैं इस वीडियो की फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ बात करूँ तो अक्सर कहानी ऐसी होती है जो कहानी आपको मजबूर कर दे सोचने में कि भैया अब आगे होगा क्या. दैट कहानी हैज़ हिट द स्पॉट. और अरे और तीली ने बड़ी खूबसूरती से इस कहानी को लिखा और बड़ी खूबसूरती से इसको फिल्माया भी गया. आई रियली लाइक द टू एक्टर्स इन देयर, द गाय हु इज़ प्लेइंग द पाकिस्तानी गाइज रोल एंड देन द फीमेल एक्ट्रेस इन इंडिया, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब. बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पूरे शॉर्ट फिल्म को फिल्माया है. मैं बड़ा खुश हूँ ये देख के. उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल की जो बात हो रही है लॉर्ड्स में, वो भी एक और बड़ा शानदार किस्म का फाइनल आए. और हाँ, इसमें जो वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दिखाया था, अब शायद मुझे वो दोबारा देखना पड़े अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए. मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को मेरे साथ देखने का. अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. सलाम, टाटा, गुड बाय एंड अडियोस.